मैं बहसियत मुलाजिम महकमे सेहत इस बात का अहद करता हूँ कि मैं जिंदगी में कभी भी नशावर चीज का इस्तेमाल नहीं करूँगा। तो मैं इसको छोड़ दूंगा। काम रहा अगर छोड़ने में नाकाम रहा तो मैं महकमे सेहत के एडिक्शन ट्रीटमेंट फैसिलिटी या मेंटल हेल्थ यूनिट से रजू करूंगा। मैं ये अहद करता हूं कि नशे में मुब्तला कोई भी शख्स एक मरीज होता है और इसके साथ बाकी मरीजों जैसा सलूक करूंगा, क्योंकि नशा एक बीमारी है और इसका इलाज भी मुमकिन है। इस समाज का फर्ज होने के नाते मेरी ये जिम्मेदारी है कि मैं हर उस शख्स और मुहिम का साथ दूंगा जो मेरे मुआशरे को नशे से दूर रखेगा। मैं अहद करता हूं कि मैं सिगरेट से भी दूर रहूंगा। हम इकट्ठे होकर जम्मू कश्मीर को नशे से पाक करेंगे इंशाल्लाह। हाँ, आज जो हमने प्लेज लिया है, हमने ये शपथ ली है कि हम जो एलजी साहब ने जेके फ्री ये एक महीना का जो प्रोग्राम रखा है नशा मुक्त जेंड के, हमने शपथ ली है हमारे सारे मुलाजमीन ने, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में है, सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स में है, सीएचसीज में है, पीएचसीज में है, ये शपथ ली है कि हम नशे के खिलाफ वार अगेंस्ट ड्रग करेंगे और जो भी नशे में मुलव्वस होगा उसको ट्रीटमेंट मिलेगा, उसको काउंसलिंग होगी। हालांकि एक सर्वे के मुताबिक ये जो हमें दिख रहा है कि 70,000 लोग इसमें इन्वॉल्व हैं, लेकिन दैट इज़ द टिप ऑफ आइसबर्ग। वो सिर्फ वो दिख रहा है जो हमें दिख रहा है, उसके बगैर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। और हमें मिल के, चाहे वो टीचर हो, चाहे वो डॉक्टर हो, चाहे वो मौला कमिटीज़ हो, चाहे वो रिलीजियस लीडर्स हो, मेरी उनसे यही गुजारिश है, एस्पेशली पेरेंट्स से ये गुजारिश है कि वो अपने बच्चों पे नज़र रखे। अगर ट्रीटमेंट के बारे में हमारे हर एक सेंटर्स पे हेल्पलाइन लगी है, उनसे रब्ता करें, पीएचसी से रब्ता करें, जो भी हॉस्पिटल होगा वहाँ इसके माहिर डॉक्टर्स हैं उनसे रब्ता करें और ट्रीटमेंट में उनको ट्रीटमेंट वहाँ मिलेगा, काउंसलिंग वहाँ मिलेगी। और यही मैं कहना चाहूँगा कि हर एक को ये जो एक महीने का मुहिम है इसमें हमारा साथ दे ताकि हम नशा मुक्त जेंट के बने।